हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको एप्लीकेशन लिखने के एक तरीके के बारे में बताया था, और जिसमें आपको ये बताया था कि जब लीव पास्ट में ले चुके हैं और उस लीव को प्रेजेंट में एक्सेप्ट कराना है, तो उसके लिए कैसे एप्लीकेशन लिखा जाएगा, यह तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। और आज मैं एक नए तरीका के बारे में बताऊँगा जिसमें लीव फ्यूचर में लेना है और प्रेजेंट में उस लीव को एक्सेप्ट कराना है प्रिंसिपल से, तो इसके लिए कैसे एप्लीकेशन लिखा जाएगा, यही तरीका मैं आपको आज बताऊंगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम दे रहे हैं, क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 10 डेज एज यू हैव टू गो टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर कज़न ब्रदर सिस्टर, जो भी हो। कज़न का मतलब ब्रदर भी होता है, सिस्टर भी होता है, सब चीज़ होता है। एप्लीकेशन लिखने के लिए बाएं साइड में मार्जिन छोड़ेंगे और तब शुरुआत करेंगे। टू लिखेंगे और ध्यान रखना है कि नए फॉर्मेट में टू के बाद कॉमा नहीं होता है, फिर सर या मैडम के बाद भी कॉमा का इस्तेमाल नए फॉर्मेट में नहीं होता है। तो टू यहाँ पे प्रिंसिपल लिखे हैं, आपको जो होगा प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, जो लिखना होगा चेयरमैन है, जो होगा सो आप लिखेंगे। तो टू, उसके नीचे में द प्रिंसिपल, उसके नीचे में स्कूल का नाम देंगे। यहाँ पे हमने दिया है द जैतपुर पब्लिक स्कूल, फिर इसके नीचे में देना होगा वो कहाँ पे, उसका लोकेशन क्या है। तो यहाँ लिखे हैं मारीपुर, कॉमा डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिए हैं, फिर एक एक स्पेस देंगे, गैप देंगे, और उसके बाद तब डेट देंगे। डेट में हम लिखे हैं 9th अप्रैल 2020, आपका जो डेट होगा वो आप दीजिएगा। फिर गैप छोड़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे हम लिखे हैं रिगार्डिंग लीव फॉर 10 डेज़, आपको जितने दिन की छुट्टी लेना होगा उतना दिन यहाँ पे फॉर जो 10 डेज़ 20 डेज़ जितना होगा वो लिखेंगे। फिर एक गैप छोड़ेंगे, उसके बाद सर लिखेंगे या मैडम लिखेंगे, और ठीक इसके नीचे से जो कंटेंट है उस कंटेंट को आप इसमें लिखना शुरू कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा है कि विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव टू गो टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई कज़न ब्रदर फुल स्टॉप। ड्यू टू दिस आई वॉन्ट योर परमिशन टू बी अब्सेंट फ्रॉम द क्लास फ्रॉम, जो डेट होगा वो यहाँ से लेकर इतना डेट, कितना डेट से लेकर कितना डेट तक आपको अब्सेंट करना है वो डेट इसमें दोनों में भरेंगे फुल स्टॉप। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद पुनः जो दूसरा पैरा शुरू करते हैं वो मार्जिन जहाँ से छोड़े हुए हैं बस वहीं से उसको शुरू करेंगे। तो आई के बाद कॉमा, देयर फोर, फिर कॉमा, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव ऑन द बेसिस ऑफ एबव मेंशनड मैटर फुल स्टॉप। फॉर दिस आई विल ऑलवेज बी हाईली ऑब्लाइज टू यू फुल स्टॉप। इसके नीचे हमें थैंकिंग यू कॉमा, फिर स्पेस देंगे, उसके बाद योर ओबीडियंट स्टूडेंट, और आप अपना नेम, क्लास, रोल, सेक्शन और पेरेंट्स का मोबाइल नंबर इसमें देंगे। यही यह जो एप्लीकेशन अभी बताए हैं यह नया फॉर्मेट है, CBSE अभी इसी एप्लीकेशन को फॉर्मेट को स्वीकार कर दी है, और जो आपका सब्जेक्ट मैटर होगा उसके अकॉर्डिंगली इसमें आप लिखेंगे। तो ये इसको आप बार बार पढ़िएगा, इसको सीखिएगा और इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, और इस तरह से जब कभी भी आपको एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत पड़ेगा तो आप लिखेंगे। बस इसमें चेंज क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन में हल्का चेंज, यहाँ जैसे मैरिज सेरेमनी है वहाँ मैरिज सेरेमनी के जगह पे कुछ दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, 10 डे लीव के लिए लिखा गया है तो कोई दूसरा हो सकता है, यहाँ प्रिंसिपल के जगह पे चेयरमैन भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, या हेडमास्टर भी हो सकता है, या HOD भी हो सकता है। तो जो आपको जिसके पास एप्लीकेशन लिखना है वो यहाँ पे आप ध्यान से लिखेंगे, और बाकी लगभग सब इसी तरह से रहेगा। तो इसको आप लोग सीखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, और इस जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो को निश्चित रूप से आप इसको लाइक करेंगे, इसको पे कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और हो सके तो डाउनलोड भी कीजिए।
अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को लिखेंगे और इसको अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर किसी तरह का सुझाव आपके पास है, कोई सजेशंस है, तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपके सजेशन का मैं पूरा पूरा ख्याल रखूँगा। धन्यवाद।